हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय होम? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द डिवाइस ऑफ एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following had called the fundamental rights a promise to our people and an agreement made with the civilized world? किसने बोला था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है मूल अधिकार? ये कहा गया था बाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। एस राधाकृष्णन का डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर और इसी दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस। द प्रेजेंट नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड बाय, प्रेजेंट नीति आयोग रिप्लेस हुआ है प्लानिंग कमीशन से। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 15 मार्च 1950 को आया था, ठीक है। और नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आया था। और नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द पार्लियामेंट दैट ही विल इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन? दिस अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड ए नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन इंडिया। किसने, कौन से प्राइम मिनिस्टर से जिसने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को कहा था कि मैं अपनाऊंगा और इससे पूरे नेशन में प्रोटेस्ट हो उठा था? तो ये कहा किया गया था वीपी सिंह के द्वारा। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस अप टू व्हाट? सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं 65 ईयर्स तक और हाई कोर्ट के 62 ईयर्स तक। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है आर्टिकल 124 में और हाई कोर्ट की बात की जाती है आर्टिकल 214 में। ओके, आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से रिलेट करता है? ये करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इस सिटीजनशिप को हैंडल कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैंडल करती है। होम अफेयर्स के अंडर आता है ये। 5-11 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिटीजनशिप की बात करता है। और हमने सिटीजनशिप लिया किससे था? बोरोव किया था हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि है सिंगल सिटीजनशिप पे आधारित। ओके, हाउ मैनी मेथड हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन? देखिए, 3 अमेंडमेंट की बात की गई है। एक होता है सिंपल, एक होता है स्पेशल और एक होता है स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। सिंपल में क्या होता है? 50% प्लस 1। ओके, इसको सिंपल कहते हैं। स्पेशल में क्या होता है? 2/3 मेंबर जो होते हैं, और स्पेशल और रेटिफिकेशन में 2/3 और उसका रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लगता है। ओके, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर? राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं 6 ईयर के लिए और पर 2 ईयर 1/3 मेंबर इसके रिटायर्ड होते रहते हैं। ओके, 1/3 मेंबर जो होते हैं वो पर 2 ईयर रिटायर्ड होते रहते हैं। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनमें से? तो इसमें है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट ये कैरेक्टरिस्टिक है। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे
कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव रिस्पांसिबल टू लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं लोकसभा में, इंडिविजुअली रिस्पांसिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, और टू हेड होते हैं इसमें, टू हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। नॉमिनल होते हैं प्रेसिडेंट और रियल होते हैं प्राइम मिनिस्टर पीएम। ओके, टू हेड्स होते हैं नॉमिनल रियल, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और पॉलिटिकल हेजमनी होती है, हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होता है, रिजिडिटी ऑफ द पार्टी डिसिप्लिन होता है इसमें। ओके, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 324 to 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट? आर्टिकल 324 to 329 ये इलेक्शन को देखता है। ओके, अशोक मेहता कमेटी वॉज सेटअप फॉर वॉट? अशोक मेहता कमेटी सेटअप की गई थी पंचायत के लिए, द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द पंचायत। अशोक मेहता जी ने कहा था कि टू टीयर पंचायत होती है ना कि थ्री टीयर। बलवंत राय मेहता जी ने कहा था कि थ्री टीयर सिस्टम होगा, इन्होंने कहा नहीं नहीं टू टीयर सिस्टम होगा, और ये होगा एक मंडल और एक होगा जिला, यही दो होंगे, और इन्होंने कहा कि कोई ब्लॉक समिति नहीं होगी, नो ब्लॉक, कोई ब्लॉक समिति नहीं होगी। इन्होंने एससी एसटी की रिप्रेजेंटेशन की बात की, बोला कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो एस पॉपुलेशन के बेस्ड पर होगी। फोर ईयर का टर्म बोला इन्होंने, फोर ईयर का टर्म होगा पीआरआई के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टर्म होगा फोर ईयर का, और आर्टिकल 40 में बात होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, और आर्टिकल 243 ए से जो ओ है इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलय पंचायत है। ओके, और हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, और सब्जेक्ट थे कुल 29 सब्जेक्ट थे इसके अंडर में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में। और आर्टिकल 4 जो है वो हमारा पंचायत, जो हमारी पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल है 11th शेड्यूल पार्ट 4 में आता है। ओके, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट? वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शन कमीशन। At which of the following places was the first municipal corporation established? First municipal corporation established हुआ था मद्रास में, और कब हुआ था, 1687 में हुआ था, मद्रास में 1687 में हुआ था। Municipal council आता है हमारे 74th amendment act हुआ था इसके लिए, और इसके 18 subject हैं, इसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट रखे गए हैं, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और शेड्यूल है 12, शेड्यूल है जो वो 12 है, मैंने एक गलती कर दी, पार्ट 4 नहीं है, पार्ट 9 है, पार्ट 9 जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है, और पार्ट 9 ए म्यूनिसिपल काउंसिल का है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कॉन्टिनजेंसी फंड? कॉन्टिनजेंसी फंड से कौन सा रिलेटेड है, तो ये है आर्टिकल 267। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ थ्री स्टेजेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट? थ्री स्टेजेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी अगस्त कॉम्प्रे ने।
हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लिया गया था? तो ये टाइम लिया गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। पहली असेंबली जो बैठी थी वो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक हुई थी और लास्ट वाली 26 नवंबर 1946 को हुई थी। और इतने में इतने बीच में मतलब 165 दिन था जिसमें 11 सेशंस हुए, 165 दिन में 11 सेशंस हुए जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। ओके, और क्या हुआ, और इसमें इसमें और क्या हुआ, ये 46 है, सॉरी ये 50 था, 49 था, 26 नवंबर 1949 था। और इसमें कुल सदस्य थे 389 मेंबर थे और जिसमें 15 महिलाएं थी, 389 में 15 महिलाएं थे। ओके, 0 आवर इन द प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, 0 आवर इंडियन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में क्या है? तो ये है द पीरियड बिफोर द क्वेश्चन आवर, पहले क्वेश्चन आवर होता है उसके बाद 0 आवर होता है, और 0 आवर हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री की देन है, मतलब वर्ल्ड को 0 आवर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ने दिया है। हु सुपरवाइज ऑल द सबॉर्डिनेट, कौन सारे सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं ये, कोर्ट को सुपरवाइज करता है, तो ये हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट को कौन सुपरवाइज करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, कोई मैक्सिमम एज नहीं होती है, मिनिमम एज डिसाइड है और मिनिमम एज है 35। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.